वाटर टैंकर घोटाले में फंसी दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने सफाई दी है, खुद को बेगुनाह बताया है। शीला दीक्षित ने कहा है कि टेंडर देने वाली कमेटी में सभी दल के नेता शामिल थे। आपको बता दें कि वाटर टैंकर घोटाले की जांच अब एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी करने वाली है। उपराज्यपाल ने एसीबी जांच को मंजूरी दी है। दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि हमने मांगे गए सभी सबूत दिए हैं, अब सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने रेकमेंड करा है ना, लेट देम फाइंड आउट द फैक्ट्स। अभी मैं कैसे उसमें टिप्पणी दे सकती हूँ? ऑल दैट आई नो इज जो भी डिसीजंस जल बोर्ड में लिए जाते हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं। सीईओ होता है वहाँ पे, मेंबर्स होते हैं जिसमें बीजेपी भी होती है मेंबर। एक साल के अंदर हमने शीला दीक्षित की जांच की, सारे सबूत इकट्ठे किए, पूरी रिपोर्ट बनाई, किसने घोटाला किया, कितने का घोटाला हुआ, सारी रिपोर्ट बनाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी एक साल के अंदर। भाजपा कह रही है बहुत लेट कर दिया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ 400 करोड़ रुपए के कथित वाटर टैंकर घोटाले की जांच सीबीआई या एसीबी से कराने की मांग की थी। शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी को झटका दिया है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने पार्टी की स्थापना के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में बीजेपी को आमंत्रण नहीं दिया है। रविवार को मुंबई में यह कार्यक्रम होना है और माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना ने यह कदम उठाकर बीजेपी को साफ संकेत दे दिया है। हालांकि शिवसेना इसे पार्टी का आंतरिक मामला बता रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का भी कहना है कि ये शिवसेना का फैसला है कि अपने किसी कार्यक्रम में वो किसे बुलाती है और किसे नहीं। साफ है दोनों पार्टियों में बढ़ती दूरी अब सार्वजनिक मंचों पर भी झलकने लगी है। गुजरात के एक मंत्री शंकर चौधरी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन गलत स्पेलिंग लिखकर मंत्री जी खुद फंस गए। स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं यह है गुजरात के मंत्री शंकर चौधरी साहब। वैसे तो मंत्री जी के पास एमबीए की डिग्री है, लेकिन एक नजर डालिए इस पर। शंकर चौधरी ने ब्लैक बोर्ड पर एलिफेंट की स्पेलिंग लिखी है ELEPHENT, जबकि सही स्पेलिंग होती है हम सब जानते हैं ELEPHANT। बनाना की स्पेलिंग भी कुछ ऐसे ही लिखी है जिसमें NM की तरह नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल होने के बाद शंकर चौधरी की काफी किरकिरी हो रही है। शंकर चौधरी के पास गुजरात सरकार में कई अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उनके पास शहरी आवास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है, साथ ही स्वास्थ्य और परिवहन राज्य मंत्री भी वो हैं। 2015 में मंत्री जी पर फर्जी MBA की डिग्री रखने का आरोप लगा था, हालांकि बाद में उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद 2002 में गुजरात के विधानसभा में मंत्री जी पर पॉर्न साइट देखने के भी आरोप लगे थे। आज जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, 12 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से ये तीसरी मुठभेड़ थी। मंगलवार को कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर और गुरुवार को तंगधार सेक्टर, जबकि आज सोपोई के बोमई इलाके में सेना ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि बोमई गांव में कुछ आतंकी छिपे हैं। जवान मौके पर पहुंचे तो एक घर में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। घुसपैठ और आतंकी हमलों के बढ़ते मामलों के बीच आज गृह मंत्रालय में भी आंतरिक सुरक्षा पर बैठक हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख मौजूद थे। बैठक में सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने पिछले 10 दिनों में कई इंटरसेप्ट पकड़े हैं, जिसमें आतंकियों की बातचीत रिकॉर्ड है। रिकॉर्डिंग में आतंकियों के आका सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमले के निर्देश दे रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। गिरिडीह जिले के पीरटांड इलाके में पतल छपरा के जंगलों में नक्सलियों की मीटिंग के बारे में जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंचे। जवानों के पहुंचने की भनक लगते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 203 का एक जवान शहीद हो गया। एक नक्सली के भी मारे जाने की खबर है। सीआरपीएफ के जवानों के मुताबिक नक्सलियों की टीम में भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं। मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ का जवान बालन हरिजन असम का रहने वाला था। उसके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के बाद उसके पैतृक गांव भेज दिया गया।